ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम. वेरीफाई द फॉलोइंग केसेस बाय मेजरमेंट. अब आपको ये दो केस दिए गए हैं, ठीक है. पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर. अब ये क्या दिया हुआ है, देखिए एक फिगर दी हुई है, ये दोनों पार्ट्स के लिए है फिगर, कॉमन फिगर है, राइट. इसके लिए अलग फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सेम फिगर दोनों के लिए है. तो यहाँ पे आपको एक लाइन सेगमेंट दिया है पी आर, उसके बीच में एक पॉइंट लगा दिया है क्यू. अब आपको इस लाइन सेगमेंट को देखकर इन्हें वेरीफाई करना है. वेरीफाई मीन्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करना है, राइट. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है आपको पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, ठीक. तो अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप पी क्यू मेजर करिए. देखिए मैं आपको ये बताती जा रही हूँ कैसे करना है और आप साथ में करते जाइए. बाद में नहीं समझ में आएगा तो भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ जब आप ज्योमेट्री वर्क करने बैठे हैं तो आपकी सारा सामान आपके साथ लेकर बैठे हैं ज्योमेट्री का, और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करते चले जाइए. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्यू, पी क्यू मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ इतना मेजर करना है. कितना, सिर्फ इतना मेजर करना है क्यू तक जो भी आपका आ रहा है, ठीक है. तो मैंने रफ मेजरमेंट लिया है तो आप मेरे हिसाब से नहीं लेंगे, अपनी बुक में जो है उसके हिसाब से लीजिए. तो पी क्यू तकरीबन आपका बैठता है अबाउट 4.6 सेंटीमीटर्स, राइट. ये है आपका 4.6 सेंटीमीटर्स पी क्यू यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है ये है आपका 4.6 सेंटीमीटर. और उसके बाद अगर आप क्यू आर मेजर करेंगे, ये क्या है नेक्स्ट आपका क्यू आर. पी क्यू कितना था, 4.6 सेंटीमीटर, फिर प्लस उसके बाद क्यू आर मेजर करिए. इस तरीके से ही आपको क्यू आर, तो क्यू पर अपना स्केल का 0 पॉइंट रखिए और उसके बाद मेजर करिए. सो दिस इज अबाउट 1.2 सेंटीमीटर्स. यहाँ से यहाँ तक अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो ये है आपका 1.2 सेंटीमीटर, राइट. हमने पी क्यू मेजर किया, पी से लेकर क्यू तक 4.6, उसके बाद क्यू से लेकर आर तक मेजर किया है. और अब उसके बाद हमें मेजर करना है पी आर, मीन्स पूरी लेंथ. पूरी लेंथ को आप इस तरीके से यहाँ पर 0 कोइंसाइड करिए यहाँ पर, और इस तरीके से आर तक पूरा इसको मेजर कर लीजिए कि ये कितना आता है. तो दिस इज समथिंग अबाउट 5.8 सेंटीमीटर्स, राइट. आप आर तक इसको मेजर करेंगे तो दिस इज अबाउट 5.8 सेंटीमीटर्स, 5.8, राइट. अब आप इन दोनों को ऐड करिए कितना आता है, एग्जैक्टली 5.8 एंड दिस इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर्स. दोनों जगह जो हमारी लेंथ है वो कितनी आई है, 5.8 सेंटीमीटर्स. चाहे हमने उसे पार्ट्स में मेजर करके लिखा है या फिर हमने इन टोटल उसको जो है मेजर करके लिखा है, तो हमारी दोनों साइड्स बराबर आई हैं, मतलब देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है. एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, दोनों साइड्स हमारी इक्वल आई. ठीक इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी इसको फॉलो करना है. हमें सबसे पहले इन्होंने लिखा है पी आर, तो अब मैंने इसीलिए इसी फिगर पर पूरी मेजरमेंट्स लिखी थी. पी आर मतलब कितना, 5.8 माइनस पी क्यू. पी क्यू मतलब कितना, जो हमने मेजर किया था 4.6. ये मेजरमेंट यहाँ पर ही मैंने लिखी है ताकि हमें बार बार इसको मेजर ना करना पड़े. एंड क्यू आर कितना है, 1.2 सेंटीमीटर्स, दिस इज 1.2. अब इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों को, 8 - 6 - 2 एंड 5 - 4 - 1. सो दिस इज, दोनों साइड्स पे आपने क्या किया है, दोनों को इक्वल शो किया है, राइट. हमारा इक्वल है दोनों साइड पे, 1.2 सेंटीमीटर्स एंड 1.2 सेंटीमीटर्स.
तो हमने इसको भी वेरीफाई कर दिया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसी तरीके से हमको इनको मेजर करना है।